नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट की एक हम सीरीज कर रहे थे। तो पार्ट वन में हमने देखा कि पब्लिक ट्रस्ट क्या होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है, उसमें अलग अलग प्रोसीजर्स क्या होती है, वो हर एक चीज की हमने जानकारी ली। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टू की। पार्ट टू के लिए अपने को गाइड करने वाले हैं सीए सचिन अग्रवाल सर। अगर सचिन अग्रवाल सर की हम बात करें तो सचिन अग्रवाल सर ऑलमोस्ट 18 साल से सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सचिन अग्रवाल सर पुणे में प्रैक्टिस करते हैं और उनका ट्रस्ट ये इशू पे अच्छा खासा कमांड है। तो सचिन अग्रवाल सर, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन में। हाँ, नमस्ते नमस्ते राकेश तो जी। सचिन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपको है कि ये जो ट्रस्ट होते हैं, इसमें एक री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आया है, वो एग्जैक्टली क्या है? क्या है वो री रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है? अभी क्या हो गया, बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2020, मतलब अभी क्या हो गया कि जो बजट अमेंडमेंट आई थी, जो कि फरवरी में हमारा बजट जो अमेंड किया है निर्मला सीतारमण मैडम ने, जो अभी अमेंडमेंट जो बजट में लाया है, उसमें क्या हुआ कि अभी जो भी ट्रस्ट है, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 12A में था, या 80G में है, या फिर 12AA में है, या फिर 1023C में किसी का रजिस्ट्रेशन होगा ट्रस्ट का, या फिर एग्जम्प्ट इंस्टीट्यूशन का। सो उन्हें अभी क्या क्या किया उन्होंने कि पहले ये रजिस्ट्रेशन जो होता था वो परपेचुअल होता था। परपेचुअल मीन्स की इट वॉज फॉर लाइफ टाइम, मतलब एक बार अगर इनकम टैक्स में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सो यू नीड नॉट टू गो टू द इनकम टैक्स वंस अगेन, दिस यू हैव टू जस्ट फाइल द रिटर्न। आपको रिटर्न फाइल करने होते थे, आपको बाकी का कंप्लायंस करना होता था, और इनकम टैक्स ऑफिसर को कभी लगेगा कि बाबा ये वेदर दे आर डूइंग दिस करेक्ट एक्टिविटीज, जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो करेक्टली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो ही विल कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन, एंड इफ ही फाउंड दैट कि कुछ प्रॉब्लम है तो देन ही विल कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। बट अब क्या हो गया है कि नाउ दे हैव कम अप विद न्यू प्रोविजंस। अभी उसमें हिसाब से क्या होता है कि आपको हर 5 ईयर्स में आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना है। अभी दिस विल द फर्स्ट टाइम कि ये जो नया प्रोविजन जो है 12AB सेक्शन जो आ गया, पहले कैसा होता था कि सेक्शन 12A के अंदर हम रजिस्ट्रेशन लेते थे, नाउ द सेक्शन 12AB हैज कम। सो 12AB हैज अबॉलिश्ड ऑल द अर्लियर प्रोविजंस, कि उसमें उन्होंने बोला कि फ्रॉम 1 जून 2020 द अर्ली रजिस्ट्रेशन व्हाट एवर यू हैव, जो भी ट्रस्ट के पास अर्ली रजिस्ट्रेशन है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G, वो सब इनवैलिड हो जाएंगे। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर दिस ईयर। सो पहले उन्होंने बोला था कि अगस्त तक आपको 31 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन करके लेना है। नाउ ड्यू टू दिस अभी ये सिचुएशन के वजह से उन्होंने एक्सटेंड किया है, विच इज एक्सटेंडेड टू 31st of December। तो अभी 31st of December तक आपको अप्लाई करना है। फ्रॉम 1st of October टू 31st of December ये विंडो ओपन होगा, जो री रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो होगा। मतलब जैसे सचिन सर ने अपने को बताया, ये जो रजिस्ट्रेशन था पहले था कि आपको जिंदगी भर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलता था, अब वैसा नहीं है। अब आपको 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। लेकिन सचिन सर, अगर रजिस्ट्रेशन हमने नहीं किया, मान लो 31 दिसंबर तारीख लैप्स हो गई, तो अपने पे क्या अंजाम होने वाला है, क्या भुगतना पड़ सकता है ट्रस्ट को? देखिए अभी जो भी ट्रस्ट है, जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, उनको अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर वो लोगों ने उनका रजिस्ट्रेशन करना छूट गया बेसिकली, तो क्या होगा कि उनको इनकम टैक्स का जो एग्जम्पशन मिलता था सेक्शन 11 में, जैसे कुछ बहुत से ट्रस्ट जो है 12A में और 12AA में जो रजिस्टर्ड है, वो लोग सेक्शन 11 का एग्जम्पशन क्लेम करते थे। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जो ट्रस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, और तो उनको डिडक्शन मिलता था उनकी इनकम के ऊपर, तो उनको इनकम के ऊपर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, और जो 1023C के अंदर रजिस्टर्ड होते थे, जो एग्जम्पशन यूनिट्स होते हैं, जो उनको भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, अगर वो 85% अगर खर्चा करेंगे तो उनको भी एग्जम्पशन था। अब अगर किसी ने अगर ये रजिस्ट्रेशन अगर 31 दिसंबर जो लास्ट डेट अभी जो दी है, अगर वो मिस आउट कर दी किसी ट्रस्ट ने, सो क्या होगा कि उनको उनको जो भी इनकम होगा इस साल में, जो भी इनकम होगा उनका, इट विल बी टैक्सेबल फ्रॉम 1st of July। सो 30 जून तक जो भी उनका रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा, 30 जून तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, उसके बाद में का जो भी इनकम उनका वो ट्रस्ट का हो जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो टैक्सेबल होगा मीन्स व्हाट, कि जो भी सपोज उनको डोनेशन मिले हैं किसी से कुछ अदर एक्टिविटीज से कुछ भी प्रॉफिट्स हुआ है ट्रस्ट को, या जो भी कुछ है, वो सब कुछ टैक्स हो जाएगा। सो आपको नॉर्मल जैसे 2.5 लाख का जो एग्जम्पशन लिमिट होता है, 2.5 लाख में आपका ये होगा, और वो सब आपको 2.5 लाख के ऊपर जो भी इनकम रहेगा वो टैक्सेबल होगा। इवन नाउ नॉट इन केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, इवन फॉर रिलीजियस ट्रस्ट, मतलब जो मंदिर है, या मंदिर जो है मस्जिद है या फिर गुरुद्वारा है, जो भी इनके भी जो छोटे छोटे जो मंदिर होते थे उनके भी ट्रस्ट होते हैं, उनको रिलीजियस ट्रस्ट बोलते हैं हम। सो रिलीजियस ट्रस्ट को भी क्या हो गया कि उनको भी अभी रजिस्ट्रेशन, उनके भी रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले के रजिस्ट्रेशन अगर नहीं रहेंगे, सो उनको
56210 सेक्शन जो है इनकम टैक्स में, एक 56210 एक सेक्शन होता है, उसके अंदर आपको जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। सो वो भी आपका जो मतलब जो जिनका भी अगर 2.5 लाख से ऊपर अगर रिसीट है साल का, जो भी छोटी ट्रस्ट का 2.5 लाख इज नॉट अ बिग अमाउंट, सो उनका रजिस्ट्रेशन अगर है तो आपको उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो उनको उसके ऊपर अमाउंट का टैक्स देना है। सो दिस इज अब बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है इसका, मतलब अगर आप देखेंगे तो टैक्स व्यू पॉइंट ऑफ से। और ये छोटी छोटी ट्रस्ट जो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जो मंदिर की ट्रस्ट है वगैरह वगैरह, उनसे भी अभी टैक्स गवर्नमेंट वसूल करेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब सचिन सर अपने को बोल रहे हैं कि आपने अगर 31 दिसंबर तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 1 जुलाई से आपको जो भी डोनेशंस मिलने वाले हैं वो सारे इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल होने वाले हैं। आप जो भी पैसे कमाओगे आपको टैक्सेबल हो जाएंगे, तो इनकम टैक्स बहुत भारी भरना पड़ सकता है आपको। तो आपको ये सलाह दे रहे हैं सचिन सर कि आपने 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक आपके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना है। ध्यान रखिएगा, हम रजिस्ट्रेशन मतलब इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके बाद आप जो 12AB का जिक्र कर रहे थे वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब 12AB क्या होता है ये एग्जैक्टली? देखिए कैसा होता है कि अभी 12AB मतलब उन्होंने क्या किया है कि नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, विच अंडर विच सेक्शन व्हाट हैपेंड कि अगर इफ द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर 12AB, सो उनको क्या होगा कि उनको सेक्शन 11 के अंदर एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन मींस व्हाट होता है कि सपोज कोई ट्रस्ट है, उसको कोई डोनेशन मिलता है, तो वो 100 रुपए अगर डोनेशन मिलता है और उसका 85 रुपीज खर्चा करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। सपोज अभी जो ट्रस्ट है कोई अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो चैरिटी का जो भी उनका ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर खर्चा करेंगे, या फिर कोई रिलीजियस ट्रस्ट रहेगा तो मंदिर के ऊपर कोई खर्चा करेंगे, या फिर कोई रिलीजियस ट्रस्ट विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो वो उनके ऑब्जेक्ट जो भी उनका ऑब्जेक्ट है बेसिकली उसके ऊपर उनको वो एक्सपेंस करना है। अगर वो एक्सपेंस करेंगे तो दे विल गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 11 अगर आप 12AB के अंदर रजिस्ट्रेशन रहेगा तो। और इवन इवन 12AB के अंदर उन्होंने क्या किया है, 1023C के अंदर भी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 12AB के अंदर अगर आप री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वो भी उसकी उसका भी डिडक्शन मिलेगा। जैसे क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उनको दे कैन गो फॉर 12AB रजिस्ट्रेशन और दे कैन गो फॉर 1023C ऑल्सो। सो 1023C क्या होता है कि अगर अगर वो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का अगर 1 करोड़ से नीचे अगर टर्नओवर है, मिस रिसीट्स है, सो दे आर एग्जम्प्ट फ्रॉम दैट रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर 1 करोड़ के ऊपर रिसीट्स है ओनली फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेइंग, तो उनको 12AB का मतलब उनको 1023C का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, अदरवाइज देयर जो भी रिसीट्स उनका है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली कि ट्रस्ट को अगर जैसे कि अभी हम क्या होता है जनरली हम क्या बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट ओनली टैक्सेबल होता है जनरली, एक जनरल कंसर्न में हम लोगों को क्या लगता है कि मैं 100 रुपए कमाता हूँ और मेरा 50 रुपए 70 रुपए खर्चा है तो मेरा 30 रुपए टैक्सेबल रहेगा। लेकिन ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। ट्रस्ट में क्या होता है कि अगर आप ट्रस्ट को 100 रुपए डोनेशन मिलता है और वो ट्रस्ट ने अगर 100 रुपीज का 70 रुपीज भी खर्चा कर दिया, इवन 100 रुपीज भी अगर खर्चा किया है, सो दैट इज दे आर नॉट अलाउड फॉर दैट डिडक्शन। क्यों नहीं अलाउड होता है? बिकॉज सेक्शन 37 क्या बोलता है कि आपको व्हाट व्हाट यू विल गेट एज अ डिडक्शन ओनली विद द एक्सपेंडिचर व्हिच यू आर डूइंग फॉर अर्निंग द इनकम। सपोज अभी ट्रस्ट क्या होता है कि ट्रस्ट किसी पुअर का हेल्प करेगी या फिर कोई एजुकेशन के लिए करेगी, सो दे आर नॉट गेटिंग अ डोनेशन फॉर दैट, मतलब डोनेशन उसके लिए नहीं मिल रहा, मतलब डोनेशन लाने के लिए कोई खर्चा किया है। सपोज कि इफ द पर्सन इज गिविंग डोनेशन उसके लिए उन्होंने बैंक चार्जेस अगर मिलता है तो दैट इज ओनली अलाउड, सो दैट इज ओनली अलाउड अलाउबल एक्सपेंसेस होता है। तो इसलिए उनको क्या होता है कि बहुत बार ट्रस्ट को क्या होता है कि 100 रुपए हमने कमाया तो सही, लेकिन हमने खर्चा कर दिया तो हमारे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन इवन दो इन दैट केस ऑल्सो दे हैव टू पे द टैक्स ऑफ दैट 30 रुपीज, तो 30 रुपये का स्लैब आ गया तो उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो जो कि उनके पास है भी नहीं। सो दैट इज अ मेजर इम्प्लीकेशन विच आई फील कि ये प्रोविजन की वजह से वो एक बहुत बड़ा मेजर इम्प्लीकेशन होगा। बराबर। मतलब आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको पूरा का पूरा डोनेशन पे आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ने वाला है। आपको उसमें कोई खर्चे आप माइनस नहीं कर सकते, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला, पूरा टैक्स भरना पड़ सकता है। तो ये एडवाइस रहेगा कि आपने 31 दिसंबर तक कैसे भी करके आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन सचिन सर इसमें और एक मन में मेरे ख्याल है कि जैसे GST के लिए एक स्लैब लिमिट होता है कि 40 लाख हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रस्ट में ऐसा कुछ है क्या, कुछ थ्रेशोल्ड है क्या, इतना किया आपका डोनेशन रहेगा तो रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा कुछ है क्या एग्जैक्टली? ऐसा अभी तक तो अभी जो उन्होंने प्रोविजन लाया है 12AB का, उन्होंने उसमें ऐसे बोला है कि ईच एंड एवरी ट्रस्ट हैज टू गेट इट रजिस्टर्ड। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मतलब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, इवन फॉर स्मॉल ट्रस्ट, कोई भी छोटा से छोटा ट्रस्ट भी अगर रहेगा तो उसको अगर अगर उनका पहले रजिस्ट्रेशन रहेगा तो दे हैव टू गेट इट री रजिस्टर्ड। अगर वो री रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे
सो द इम्प्लीकेशंस आर राइट, मतलब इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर हाँ कोई बहुत छोटा ट्रस्ट है जिसका 2.5 लाख से भी नीचे रिसीट्स है साल का, तो वो उसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया तो इट विल ऐसा नॉट कुछ है ही नहीं, हैम्पर ज्यादा दैट। नहीं बट है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा अगर रिसीट्स होता है, जैसे कोई मंदिर है टेम्पल है और वहां पे डोनेशन साल भर का डोनेशन अगर 2.5 लाख से नीचे है तो ठीक है, अगर वो 2.5 लाख से नीचे ऊपर अगर जैसे कि इवन अभी आप हमारे गणपति में हम देखते हैं कि गणपति का मंडल रहता है वगैरह, वो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दैट। तो इवन गणपति मंडल का भी अगर 2.5 लाख से ज्यादा रिसीट होता है तो उनको भी 12A का रजिस्ट्रेशन करना है, इवन दो इट इज अ फॉर सम पीरियड ओनली, कि वो कैसा होता है कि इट इज अ हम बोलते हैं सीजनल टाइप है, इट इज ओनली फॉर 15-20 डेज दे आर डूइंग दिस एक्टिविटी, लेकिन ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन तो आपको करना है और आपको 12AB भी लेना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन। मतलब आपका ऐसा हो जाएगा कि मंदिर का जो भी आपको मंडल का डोनेशन आएंगे और आपको पूरा टैक्स बाद में पता चलेगा कि टैक्स हो गया, तो देन इन दैट केस द ट्रस्टी इज आर रिस्पॉन्सिबल, जो ट्रस्टी है उनको ये कंसर्न्स है, मेजर कंसर्न्स है, बिकॉज अदरवाइज दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उनको बाद में ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, बिकॉज इनकम टैक्स तो किसी से वसूल करेगा, तो वो ट्रस्ट अगर के पास फंड्स नहीं है तो दे विल गो एंड अटैच द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्टीज, ओके ओके। सो ये बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है इसमें। अगर नए ट्रस्ट के लिए हमने सुना है कुछ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोविजन आया है, एग्जैक्टली वो क्या है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? अभी ये बजट में उन्होंने क्या किया, बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली उन्होंने बोला है कि अगर कोई नया ट्रस्ट होता है, जो छोटा ट्रस्ट है बेसिकली, या नया ट्रस्ट है, या किसी ने एक्टिविटी नहीं स्टार्ट की है, कोई ट्रस्ट है उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की अभी तक, या फिर किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, 12A का रजिस्ट्रेशन किसी के पास नहीं है, सो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट क्या करता है बेसिकली, उन्होंने अभी इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट हो जाएगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है, आपको ओनली आप यू हैव टू अप्लाई फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। आप अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 3 इयर्स के लिए वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे सुओ मोटो, मतलब आपको जस्ट यू हैव टू अप्लाई एंड विद इन 30 डेज विल दे विल ग्रांट अ रजिस्ट्रेशन, इफ दे डोंट ग्रांट इन 30 डेज इट विल बी डीम्ड टू बी हैव बीन ग्रांटेड, मतलब आपको वो डीम प्रोविजन उन्होंने डाल दिए कि आपको 30 दिन के अंदर अगर नहीं मिला तो भी आपको ऐसा कंसिडर हो जाएगा कि आप रजिस्टर्ड है, और उसके बाद में आपको क्या करना है 3 साल के बाद में आपको विद इन 6 मंथ बिफोर 6 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3 साल आपको वापस से, अगर सपोज अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है वगैरह और आपको लगता है कि हम अभी परमानेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सो यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन, जो 12AB का जो रजिस्ट्रेशन है वो मिल जाएगा आपको, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको लगता है नहीं अभी तक हमारा एक्टिविटी पूरा स्टार्ट नहीं हुआ, या हम तो हम वापस से री अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यू विल गेट फॉर अनदर 3 इयर्स। लेकिन इस केस में क्या होता है कि दिस इज नॉट अ ब्लैंकेट प्रोविजन कि आपको कुछ, मतलब अगर आप ओनली दिस विल बी अलाउड ओनली इन केस व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट देयर, सपोज आप बहुत से डोनेशन ले रहे हैं एक्टिविटी कर रहे हैं, तो विद इन 6 मंथ ऑफ दैट आपने अगर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी और डोनेशन लेना स्टार्ट कर दिया तो आपको विद इन 6 मंथ आपको वो रजिस्ट्रेशन परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है आपको, मतलब ये इज नॉट की दैट कि 3 साल तो अभी कुछ नहीं करना है और फिर वापस 3 साल के लिए हम ये कर लेंगे तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है तो यू विल नॉट गेट एनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू अप्लाई फॉर अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन ओनली, तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना ही होगा। मतलब ये जो 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है सिर्फ आपको रजिस्टर कर देगा, आपका अगर ऑपरेशन में करेक्ट आप आ रहे हो, कामकाज चालू कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 5 साल का। तो ये प्रोविजनल करेक्ट रजिस्ट्रेशन हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं कि उसके लिए 1 अक्टूबर को ही विंडो ओपन होने वाली है, कैसा है वो? उसका भी इस साल के लिए दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसीलिए वो भी 1 अक्टूबर के लिए ही वो विंडो ओपन होगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है जिन्होंने एप्लीकेशन किए हैं, जिन्होंने सपोज अभी 31 मार्च के पहले एप्लीकेशन किए होंगे या फिर उसके बाद में एप्लीकेशन कुछ किए होंगे, तो दिस ऑल विल बी कंसिडर्ड अंडर दैट कि उन्होंने इट विल डीम कि हमने उन्होंने एप्लीकेशन नया प्रोविजन के अंदर किया है, उनको सबको फिर से रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो, लेकिन इट विल बी कंसिडर एज इन दिस एज मीन दे हैव बीन अप्लाइड फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड दे विल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन। सो जो भी कोई ट्रस्ट ने अगर 1 अक्टूबर के पहले भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेशन किया होगा अंडर द नॉर्मल प्रोविजन, जो 12A 12AA के अंदर जो प्रोविजन होती थी उसके अंदर भी किसी ने अप्लाई किया होगा, तो वो उनको भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा और फिर देन आफ्टर स्टार्टिंग द एक्टिविटी दे कैन अप्लाई फॉर अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन। अगर हम सामाजिक इम्पैक्ट की हम बात करें कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपको जो लोग डोनेशन दे रहे वो आपको डोनेशन आपके भरोसे पे दे रहे कि आप वो जो काम के लिए पैसे दे रहे वो काम के लिए यूज करेंगे, तो सोशल उसके ऊपर देखिए क्या इम्पैक्ट गिरेगा आपके ट्रस्ट के ऊपर? आपको क्या लगता है ओवरऑल सोशल इफेक्ट क्या होगा जैसे उसका? सोशली अगर मैं देखता हूँ तो जैसे इस पीरियड में अभी हम देखते हैं सब कुछ जो रुका हुआ है वगैरह बिकॉज काफी, और इवन ट्रस्ट का जो है हम बहुत अच्छा रोल किया है ट्रस्ट, अगर आप देखेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, वाइटल रोल प्ले किया है इस
सब इसमें फिर बेसिकली महामारी में वगैरह, और बीमारी आ उन्होंने गई। काफी मतलब इतना मदद की है लोगों को वगैरह। और ये बेसिकली, और दिस इज एनजीओ, हम उनको एनजीओ बोलते हैं बेसिकली। तो एनजीओ मीन्स व्हाट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो हम बेसिकली क्या होता है कि एनजीओ जो है वो दे आर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्फ, तो उनके खुद को प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं है, लेकिन वो सोशल वर्क कर रहे हैं। तो किसी, अभी ये इतना सोशल वर्क कर रहे हैं वगैरह, और उनको बेसिकली अगर ये कैसा होता है कि सोशल इम्पैक्ट ऐसा हो गया कि बिकॉज बहुत छोटे छोटे कहीं कहीं बहुत छोटे गाँव, मैं खुद देखता हूँ ना कितने काफी ट्रस्ट जो होते हैं वो इतने रिमोटली होते हैं कि दे डोंट हैव एनी प्रोफेशनल्स वहाँ पे। उनके पास कोई प्रोफेशनल नहीं होते, सीए नहीं होते, या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है बेसिकली। सो दे आर बट दे वॉन्ट टू डू द गुड वर्क बेसिकली। उनको अच्छा काम करना है, उनको अच्छा मतलब बेसिकली लोगों के वहाँ पे जो वो जो छोटे गाँव है, कस्बे है, जहाँ पे आदिवासी होते हैं या फिर महिला वर्ग होते हैं, उनके लिए उनको वो काफी काम करते हैं वो लोग। सो उनको पता नहीं होता है कि ये सब प्रोविजन है बेसिकली। क्या होता है ये, इफ दिस इज अ न्यू प्रोविजन, अभी क्या होता है कि किसी को पता नहीं। इसमें मेन प्रॉमिस दैट अवेयरनेस। सो हमको, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीए फ्रेटर्निटी की, हमारे जो सीए फ्रेंड्स है, उन्होंने सबने क्या करना चाहिए कि कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ कीजिए बेसिकली। दिस इज अवेयरनेस। अगर जितना अवेयरनेस होगा, लोगों को पता चलेगा कि मैं, अगर मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे पता चलेगा कि अरे ऐसे मैं ट्रस्ट में ट्रस्टी हूँ, लेकिन आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर री रजिस्ट्रेशन, तो मुझे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो मेरा पर्सनल लाइबिलिटी भी हो जाएगा। सो दैट देन आई विल, अदर जितना हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और कुछ हेल्पिंग हैंड, मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम देखिए, हम बड़ी बड़ी कंपनीज को हम बोलते हैं कि सीएसआर एक्टिविटी करती है वगैरह वगैरह, तो दिस इज ऑल्सो टाइम फॉर सीए टू डू सीएसआर इन दिस ट्रस्ट। सो हमने छोटे जो ट्रस्ट है बेसिकली उनको काफी हेल्पिंग हैंड करना चाहिए, और हमने उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जितना हेल्प हो सकता है, अगर आप ठीक है ऑडिट फीस वगैरह ठीक है, हम आप ऑडिट के लिए वगैरह हम करने को लिए आते हैं, तो हम ऑडिट करके उसका जो फीस है वो चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे री रजिस्ट्रेशन की बात है, छोटा मोटा वर्क है, उनको एक्सप्लेनेशन करना है या फिर उनको अवेयरनेस करना है, तो ये अगर हम करेंगे बेसिकली सो मोटो, अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम देंगे, हमारा एक पार्ट ऑफ द सीएसआर एक्टिविटी, हमें अगर 10% ऑफ द भी अगर हम, या 5% भी हम, जितना भी जो समझ कर सकता है उतना अगर वो हमने वो किया, तो इट इज एज गुड एज वी आर डूइंग सम सोशल एक्टिविटी। करेक्ट देखिए कैसे, ट्रस्ट को अगर हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल सेव द ट्रस्ट, अदरवाइज क्या होगा, ट्रस्ट मर जाएंगे। आप देखिए इन लॉन्ग रन जो क्या होगा कि अगर टैक्सेशन करेंगे तो दिस नॉट ओनली कि बाबा 100 रुपए 30 रुपए टैक्स चले जाएगा, लेकिन क्या होगा कि इम्प्लीकेशन वाइड है। सो किसी को भी मतलब जो भी ट्रस्टी है वगैरह वगैरह, दे विल बी हेजिटेट टू बी अ ट्रस्टी इन अ ट्रस्ट। और इसीलिए क्या होगा कि ये जो छोटे ट्रस्ट है बेसिकली, जो विच आर नॉट दैट बिग टू कंप्लाई ऑल दिस प्रोविजंस, क्योंकि क्या हो गया कि अभी इतना प्रोविजंस कंप्लायंस करने के लिए, या फिर हर 5 ईयर्स में री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, देन ऑल्सो गेट दे हैव, वी हैव टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद एक्टिविटी डिटेल्स, ये सब कुछ प्रोविजन, उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता है, और उनका उनको बेसिकली दे आर मोर फोकस्ड ऑन द वर्क डन, मतलब उनको उस जो सोशल जो एक्टिविटी है, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट के लिए जो काम करना है, उसी के ऊपर उनको टाइम देना होता है बेसिकली। तो दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर दिस एक्टिविटीज। सो हमें थोड़ा सा उसी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे चैनल को ऐसा मतलब करना चाहिए, थोड़ा सा एक सोशली एक थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहिए सबको कि आप थोड़ा सा उसमें सीए फ्रेटर्निटी भी थोड़ा सा ये करें, और ट्रस्टी भी जो है वहाँ पे जो ऑलरेडी जो ट्रस्टीज है वो अगर यहाँ पे करते हैं, मतलब वो अगर उनकी उनका अवेयरनेस अगर हम बताते हैं, तो दे विल डेफिनेटली डू दैट। मतलब एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सचिन सर ने कि जैसे ट्रस्ट है, अगर वो डोनेशन ले रहे हैं, ये महामारी जैसे चल रही है और महामारी में डोनेशन ले रहे समाज को मदद करने के लिए, तो सारे प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या फिर टैक्स कंसल्टेंट हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ट्रस्ट को मदद करना, उनको बताना कि आपने रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपने उनसे चार्जेस भी नहीं लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक डोनेशन दे रहे हो, आप जैसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ट्रस्ट को आपने अवेयर करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ट्रस्ट लोग डोनेशन लेंगे और डोनेशन में बहुत सारा पैसा है वो इनकम टैक्स में भर देंगे, समाज के लिए काम नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मैसेज सचिन सर ने अपने को दिया। थैंक यू वेरी मच सचिन सर। तो इसके बाद लेकिन मेरे को एक, थैंक यू वेरी मच आपको, इसके बाद मेरे को थैंक एक सवाल आया है मन में कि ये जो रिलीजियस, जैसे हम बात कर रहे थे मंदिर और ये सारे चीजों की आप बात करें, तो ये रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट में फर्क होता है क्या? हाँ देखिए, देखिए कैसे होता है कि ट्रस्ट जो है बेसिकली, अगर हम डिफाइन करेंगे ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट इज व्हाट, ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है, मतलब इट इज नॉट अ पर्सन। अगर हम हाई कोर्ट के भी डिसीजन अगर हम देखेंगे तो ट्रस्ट को क्या बोला गया है कि एक ऑब्लिगेशन है, इट इज नॉट अ इवन पर्सन ऑट, मतलब जैसे कि हम बहुत से अभी इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं उसको एओपी बोल के ट्रीट करते हैं हम, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट अगर आप लीगल टर्मिनोलॉजी में आप जाएंगे तो ट्रस्ट इज नॉट इवन अ पर्सन, तो इट्स अ ऑब्लिगेशन।
सो अभी क्या होता है उसमें, और ट्रस्ट जो है वो डिफाइन क्या होता है, उनके ऑब्जेक्ट से होता है बेसिकली. सो जो भी ऑब्जेक्ट है ट्रस्ट का, बेसिकली अगर आप प्राइवेट ट्रस्ट देखेंगे तो उनके ऑब्जेक्ट्स में कुछ बेनिफिशियरी रहेगा, कोई बेनिफिशियरी है वो ही फॉर हिज बेनिफिट द ट्रस्ट इज बिन फॉर्म, इसे हम प्राइवेट ट्रस्ट बोलते हैं. अभी जो चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट जो है, जो पब्लिक ट्रस्ट में आपको एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है और एक रिलीजियस ऑब्जेक्ट होता है. सपोज अभी आपका ट्रस्ट है और उसका ऑब्जेक्ट है टू रन सम टेम्पल या फिर कोई मंदिर या मस्जिद आपको रन करना है, सो हम उसको रिलीजियस ट्रस्ट बोलते हैं कि फॉर दैट पर्पज ऑफ दिस रनिंग दैट टेम्पल और सम गॉड हाउसेस, तो उसी रन करने के लिए जो ये ट्रस्ट होता है उसको हम रिलीजियस बोलते हैं. और चैरिटेबल मीन्स कि अदर देन दैट, इवन बहुत से रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उसका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल होता है, जैसे कि कोई ट्रस्ट है जैसे बालाजी टेम्पल है वगैरह वगैरह, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम अन्नदान और कुछ गौदान गा, मतलब ऐसे काफी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें वो लोग पुअर रिलीफ टू पुअर करते हैं वगैरह. तो वो उस पे बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो. सो उसमें कुछ ट्रस्ट जो होते हैं वो चैरिटेबल भी होते हैं और कुछ रिलीजियस भी होते हैं. चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या होता है, बेसिकली अगर हम चैरिटेबल बोलेंगे तो उसमें देर आर वो फाइव टाइप ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज, उसमें मेनली ऑब्जेक्ट होना चाहिए उनका, फिर रिलीफ टू पुअर, एजुकेशनल, मेडिकल और स्पोर्ट्स मेजरली वगैरह। कुछ कुछ सम एनवायरमेंटल, हाँ एनवायरमेंटल रिसर्च के ऊपर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट अगर कोई ट्रस्ट फॉर्म आया, योगा, तो इस टाइप के जो ट्रस्ट है विच द इनकम टैक्स फील इट इज एज एन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, कि इस टाइप का आपको कोई भी काम करते हैं तो वो इनकम टैक्स उसको बोलता है कि दिस इज अ चैरिटी. सो इसी इसके अंदर अगर आप चैरिटी करते हैं तो आपको चैरिटेबल ट्रस्ट वो लोग बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो ट्रस्ट डीड में आपको ओनली ऑब्जेक्ट जो क्लॉज है वो हमको डिफाइन करता है कि वेदर इट इज चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट. सो हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली ट्रस्ट, हर एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन डीड इज सेम, मींस दे विल हैव अ सेम मेमोरेंडम, सेम समथिंग, ओनली द ऑब्जेक्ट विल डिफाइन कि वेदर इट इज अ प्राइवेट ट्रस्ट, इट इज अ रिलीजियस ट्रस्ट और अ चैरिटेबल ट्रस्ट. मतलब आप क्या काम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है ट्रस्ट में। मतलब आपका अगर मंदिर है तो आपने मंदिर का काम ही करना चाहिए, आपने एजुकेशन ऑब्जेक्ट से फॉर्म किया है ट्रस्ट तो आपने सिखाना ही चाहिए, वहां पे हॉस्पिटल नहीं ओपन कर सकते, जो पर्पज है वो पर्पज के साथ आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे और एक सवाल मेरे को आता है, मान लो कि आपका मंदिर है, मंदिर में आपको ढेर सारा डोनेशन आया और आपके इलाके में महामारी फैली है और आपका मंदिर चाहता है कि समाज को मदद करे, तो क्या मंदिर कर सकता है क्या? देखिए कैसा है कि मंदिर, अगर अगर उनके मंदिर का अगर ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ऑब्जेक्ट में अगर उन्होंने रिलीफ टू पुअर या फिर ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स डाले हैं, अगर उनके अगर ऑब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे उनके जो ट्रस्ट डीड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ट्रस्ट डीड में उन्होंने अगर ऐसे बोला होगा कि हम मंदिर का जो डोनेशन आएगा वो हम टेम्पल के रिनोवेशन के लिए, टेम्पल के डेवलपमेंट के लिए करेंगे या फिर ओल्ड न्यू टेम्पल को ओपन करने के लिए करेंगे, और इसके अलावा हम रिलीफ टू पुअर भी करेंगे या फिर हम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट भी करेंगे, अगर ऐसा उन्होंने अगर उनके ऑब्जेक्ट में अगर डिफाइंड है तो डेफिनेटली दे कैन डू, वो कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा डिफाइंड कुछ नहीं है तो देन दे कैन नॉट डू. अगर जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, इवन अगर इनकम टैक्स भी व्हाट दे सेज कि आपका जब भी हम ऑडिट करते हैं बेसिकली चैरिटी और चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह करते हैं, तो वी हैव टू सी कि वेदर व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट और द अमाउंट इज बीन एक्सपेंडेड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट. तो 85% का जो लिमिट है इट इज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, ऐसा नहीं बोला कि इट इज ऑन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं बोलता है इनकम टैक्स भी, ये नहीं बोलता है, इट इज इट्स क्लियरली सेज कि इट इज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट. सो आपका अगर ऑब्जेक्ट के अंदर के बाहर का आपने चैरिटेबल एक्टिविटी की तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. अगर आपका आपका ट्रस्ट जो है वो अगर मेडिकल ट्रस्ट है, मेडिकल रिलीफ के लिए आपने बनाया है और आप उसमें एजुकेशन कुछ देते हैं, सो अगर आपके ऑब्जेक्ट में वो कवर नहीं होता है तो इवन देन द इनकम टैक्स डजंट अलाउ दैट. अगर आपका ऑब्जेक्ट के बाहर आपने 1 रुपया भी खर्चा किया है तो इफ इट इज मोर, आपको 85% तो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, खर्चा करना है, और उसके ऊपर अगर 15% में आप यू हैव एन चांस कि 15% के अंदर आप काम कुछ दूसरा थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए जनरली 15 रुपीज ट्रस्ट सेव दैट अमाउंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कि बेसिकली बिकॉज उनका स्टाफ है, इनका सैलरीज है या फिर और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा है उसके लिए वो लोग 15% जो है दैट इज दे रिजर्व दैट. इवन कुछ ट्रस्ट उसको कॉर्पस में भी ट्रांसफर कर दिए कि भी हम कॉर्पस, हमारा जो कॉर्पस है जो फंड है वो हम उसके लिए बढ़ा लेंगे, 15% से हम कॉर्पस फंड बढ़ा लेंगे ऐसे. सो दैट इज मस्ट कि 85% शुड बी ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट. सो ऑब्जेक्ट जो है उसके बाहर आप काम नहीं कर सकते, कोई भी ट्रस्ट उसका ऑब्जेक्ट जो डिफाइन है उसके बाहर नहीं कर सकती. मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपका अगर मंदिर हो और आप डोनेशन देना चाहते हो ये महामारी के चलते, तो आप नहीं दे सकते अनलेस आपके ट्रस्ट डीड में आपका ऑब्जेक्ट में स्पेसिफिक लिखा ना हो कि मैं मेडिकल हेल्प करने वाला हूँ।
तो ही आप वो मदद कर सकते हो। समाज के लिए आप मदद नहीं कर सकते, आपको सारे जो डोनेशन आएंगे वो आपको मंदिर के लिए ही खर्च करने पड़ेंगे अगर आपका ऑब्जेक्ट में लिखा नहीं रहेगा तो। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सचिन सर, अगर मंदिर को कैसे भी करके चाह रहे हैं कि मुझे मदद करना है, ये जगह पे बाढ़ आई है, तूफान आया है, हमें मदद करना है, तो हम उसके लिए ऑब्जेक्ट भी हम अमेंड करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और कितना दिन में उनको ऑब्जेक्ट बदल के मिलेगा ताकि वो तुरंत डोनेशन दे पाए? देखिए उसके लिए क्या होता है कि अगर किसी किसी मंदिर को या किसी भी ट्रस्ट को अगर उनका ऑब्जेक्ट चेंज करना है, विच इज नॉट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब हमने रजिस्ट्रेशन लिया था तब जो ऑब्जेक्ट था बेसिकली, और अब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ चेंज हो रहा है या हमने कुछ चेंज किया है, सब कुछ विद द परमिशन ऑफ ट्रस्टीज एंड विद द बोर्ड मीटिंग वगैरह हमको ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा, और विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू इंटीमेट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो है उनको हमको इंटीमेट करना है, ट्रस्ट को इंटीमेट करना है कि वी हैव चेंज दिस ऑब्जेक्ट विच वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम कुछ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, सो दे विल हैव टू गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द देन दैट चैरिटी कमिश्नर और एग्जम्पशन कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देन द ट्रस्ट बिकम्स इनवैलिड ट्रस्ट, वो उसका इनवैलिड हो जाता है अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं इंटीमेट करेंगे, तो इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज एन राइट की टू क्लोज द ट्रस्ट, या फिर वो उसका जो भी जो फंड्स है या जो कॉर्पस है वगैरह वो सब कुछ इनकम टैक्स उनके हाथ में ले सकता है बेसिकली, एंड इट विल बी टैक्सेबल फ्रॉम दैट डे, द ऑल द इनकम ऑफ द ट्रस्ट विल बी टैक्सेबल, अगर उन्होंने अगर वो अप्रूव नहीं किया, सपोज कल जाके किसी ट्रस्ट ने वो इंटीमेट नहीं किया इनकम टैक्स को और ऑब्जेक्ट अमेंड करके नहीं दिए, तो क्या होगा कि अगर वो बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं रेटिफिकेशन करने के लिए वगैरह और इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं करते, तो उनका जो भी उनका जो अर्निंग्स है या जो भी ट्रस्ट का फंड्स है बेसिकली दैट विल बी कम अंडर, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा और उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ सकता है, और वो भी मतलब वो ट्रस्ट को भी बैन कर सकते हैं कि वो ट्रस्ट कैन नॉट टेक एनी फर्दर डोनेशन, सो वो भी एक इशू हो सकता है। मतलब आपने ऑब्जेक्ट का अगर आपने चेंज नहीं किया और आपने एकदम इमोशन में आकर आपने अगर डोनेशन दे दिया तो आपके ट्रस्ट के ऊपर आंच आ सकती है, आपका ट्रस्ट बैन भी हो सकता है, इनकम टैक्स भी भरना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा आपको चेक करना पड़ेगा आपके ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं वो चैरिटेबल कर सकते हैं काम, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो रिलीजियस ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर सकते। चैरिटेबल ट्रस्ट कैन नॉट बी अ रिलीजियस, रिलीजियस ट्रस्ट कैन बी अ चैरिटेबल, राइट। तो अभी हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए, चाहे वो री रजिस्ट्रेशन का हो चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट बदलने का पार्ट हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत होती है? देखिए अभी कैसा होगा कि दिस इज अभी फर्स्ट टाइम, ये अभी जो 12AB का रजिस्ट्रेशन अभी नया आया है उसमें अभी एक्ट क्या बोलता है, फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या उन्होंने प्रोविजन डाली है कि व्हाट एवर द ट्रस्ट विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB और 12A और 12AA और 80G, तो उनको हम नो न्यू डॉक्यूमेंट्स विल बी आस्क्ड फॉर देम, ओनली दे हैव टू अप्लाई, देयर इज देयर विल बी वन फॉर्म व्हिच इज नॉट येट प्रिस्क्राइब्ड एक्चुअली, मोस्टली इट विल बी इन 10A फॉर्म, जो 10A फॉर्म होता था, 56D फॉर्म होता है, तो उसी में मोस्टली एप्लीकेशन आएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, अभी तक मतलब 1 अक्टूबर को विंडो ओपन होने वाला है, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स ने अभी तक वो स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से फॉर्म में देना है, लेकिन दे विल ओपन अप वन फॉर्म इन विच यू हैव टू गिव द ऑल द डिटेल्स इन विच द रजिस्ट्रेशन, आपका कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने रजिस्ट्रेशन कब अप्लाई किया है, आपका ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, आपके हु इज अ फाउंडर ऑफ ट्रस्ट, कौन किसने फॉर्म किया है ट्रस्ट, उनके नाम जो ट्रस्टीज है अभी करंट ट्रस्टीज जो है उनके नाम बेसिकली, उनके डिटेल्स 7 ट्रस्टीज होना चाहिए मिनिमम, उनके डिटेल्स और ये सब हमको अप्लाई विद एप्लीकेशन हमको सबमिट करना है अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव नॉट आस्क फॉर एनी अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट, उन्होंने अभी बोला है कि हम ऑडिट रिपोर्ट नहीं लेंगे या फिर आपका फाइनेंशियल्स नहीं लेंगे कोई भी, लेकिन ये जब 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होगा 5 ईयर्स के लिए दे विल अलॉट यू अ यूनिक ट्रस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो यूटीन बोलते हैं उसको, यूनिक ट्रस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आपको अलॉट कर देंगे फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, आपको 5 ईयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये अलॉटमेंट मिल जाएगा, देन आफ्टर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ, बिफोर 6 मंथ यू हैव टू री अप्लाई फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ देना पड़ेगा, तब आपका असेसिंग ऑफिसर विल टेक एन स्क्रूटनी ऑफ दैट ऑल, आपने 5 साल में क्या काम किया है, 4 साल में आपने जब से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है
उस पीरियड में आपने क्या काम किया है, विच एक्टिविटी यू हैव डन, वेदर यू हैव वायोलेटेड एनी प्रोविजन, आपने कोई प्रोविजन का वायोलेशन तो नहीं किया है, या आपका ऑडिट आपने प्रॉपर टाइम पे किया है, आपने रिटर्न फाइलिंग किया है, ये सब आपको प्रोसीजर जो है बेसिकली वो ही विल चेक दैट कि आपने ये सब कुछ टाइम पे अगर किया है देन दे विल रिन्यू द रजिस्ट्रेशन। अगर उनको लगता है कहीं डिफॉल्ट है या कुछ है तो ही कैन इनिशिएट सम एक्शन ऑल्सो, इट मे बी द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो और मे नॉट बी, मतलब अगर वो अगर इफ इट्स अ प्रोसीजर डिफॉल्ट है तो ही कैन ग्रांट अ रिलीफ ऑल्सो, मतलब वो इस केस में रिलीफ भी ग्रांट कर सकता है, लेकिन लेकिन दिस दिस विल बी मतलब एवरी 5 years यू हैव टू गो विद द इनकम ऑफिसर और उनको सब कुछ आपको बताना है कि आपने एक्टिविटी किया क्या किया है, एंड इट इज एज गुड एज ऑप्टेनिंग अ न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगते हैं, बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगता है, एग्जम्पशन कमीशन मांगते हैं, वो आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको वापस से रिप्रोड्यूस करना है एवरी 5 years, दिस एक्टिविटी विल बी देयर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years, मीन्स बिफोर 6 months, एज पर लॉ इट इज बीन सेइंग कि बिफोर 6 months ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 5 years यू हैव टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना है, 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना है, 6 महीने पहले आप अप्लाई करेंगे और आपको विद इन 6 months वो कमिश्नर को दिया है उन्होंने कि 6 महीने के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन करने के बाद 6 महीने के अंदर आप उनको रजिस्ट्रेशन रिन्यू करके देना है, अगर रिजेक्ट करना है तो 6 महीने के अंदर उनको टाइम लिमिट जो है 6 month दिया है, इस ये सब वेरिफिकेशन करने के लिए 6 month का एक विंडो उनके लिए ओपन किया है। ओके 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 ओके, मतलब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही कि डॉक्यूमेंट अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुए, विंडो जैसे ओपन होगी तब अपने को अंदाजा आएगा, लेकिन फिलहाल डिपार्टमेंट जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, जैसे ही 4.5 साल खत्म हो गए तब आपको हो सकता है कि ज्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें एक अंदाजा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बदलना है अपने को तो क्या बेसिक ट्रस्ट डीड ही लगता रहेगा, ट्रस्ट डीड में जो लिखा है ऑब्जेक्ट वही अपने को बदलना है और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे नहीं? ऑब्जेक्ट अगर बदलना है हमको तो हमको विद रीजन भी हमको रिजोल्यूशन चाहिए कि सब ट्रस्टी ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हमको ये जो ट्रस्ट है ये एडिशनल ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहता है। तो ऑब्जेक्ट किस कौन से बदल सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली अगर आपका कोई आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, या कोई सपोज अब मेडिकल रिलीफ नहीं था आपके इसमें आप ऐड कर रहे हैं तो जनरली इनकम टैक्स ऑफिसर जनरली ग्रांट दैट रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन के लिए आप जनरली ग्रांट करता है। लेकिन आपका कैसे जैसे कि ट्रस्ट में क्या होता है, बेसिकली ट्रस्ट का इंपॉर्टेंट ये है कि इट शुड बी इरिवोकेबल ट्रस्ट और इट शुड नॉट बी फॉर बेनिफिट ऑफ द सर्टन पर्सन, मतलब कैसा होता है कि ट्रस्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर समाज के लिए या कुछ कुछ पर्टिकुलर का फील्ड ऑफ लोगों के लिए या कुछ कम लोगों के लिए ट्रस्ट नहीं बना सकते आप, ये उनके बेनिफिट के लिए नहीं बना सकते। और दूसरा आपको इरिवोकेबल ट्रस्ट बनाना है, इरिवोकेबल मींस व्हाट कि दैट ट्रस्ट ऐसा इवन आफ्टर डिसोल्यूशन द मनी विल नॉट गो टू द ट्रस्टी और द फाउंडर ऑफ ट्रस्ट, मतलब ऐसा नहीं होता कि जनरली हम क्या होता है कि जनरली हम प्राइवेट ट्रस्ट में क्या देखते हैं कि जो भी ट्रस्ट होता है बाद में अगर सपोज कल जाके उसको ऑब्जेक्ट हो जाता है बेसिकली तो जो पैसा बच जाता है उसके अंदर, या कल जाके वो ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाता है तो जो जिसने फॉर्म किया है वो या वो उनके नाम होते हैं या फिर बेनिफिशियरी के जो नेम्स है उसके अगेंस्ट वो अमाउंट जो भी है कैपिटल जो भी बचा हुआ है वो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इन नॉट इन केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट में मेन कंसर्न इज दैट कि द ट्रस्ट शुड बी इरिवोकेबल ट्रस्ट, इरिवोकेबल मीन्स इट कैन नॉट रिवोक बैक, अगर आपको कल जाके ट्रस्ट बंद करना पड़ा है, डिसोल्यूशन करना है, आपको एक्टिविटी नहीं करनी है तो यू हैव टू जितना भी आपका कॉर्पस फंड है या फिर जो भी आपको डोनेशन मिला हुआ है, जो आपके पास पैसा है या प्रॉपर्टी है, आपको वो आपको सेम ऑब्जेक्ट जो ट्रस्ट रहेगा, सपोज आपका मेडिकल रिलीफ का ऑब्जेक्ट है, आपको मेडिकल रिलीफ के दूसरे कोई ट्रस्ट को आपको सब हैंड ओवर करना है, आपको ट्रांसफर करना है, यू कैन नॉट टेक बैक अ रुपी, सिंगल रुपी, आप 1 रुपया भी आप उसमें से निकाल नहीं सकते और आपको देना है बेसिकली वो, मतलब दूसरे ट्रस्ट को आपको ट्रांसफर करना है। ओके ओके ओके, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ट्रस्टी जो होते हैं उनको कोई बेनिफिट ट्रस्ट से नहीं ले सकते, आप ट्रस्ट का फॉर्मेशन होता है वो इरिवोकेबल टाइप ही होता है, मतलब ट्रस्ट जैसे बन गिरा तो ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो आपको किसी और सेम ऑब्जेक्ट के ट्रस्ट को देना पड़ता है और तभी ट्रस्ट बंद हो जाता है। वेरी गुड, तो सर यहाँ तक पार्ट 2 में हमने आज देखा कि रजिस्ट्रेशन और ट्रस्ट के बाकी सारी चीजें, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, हम पार्ट 3 में आपको बुला सकते हैं, तो थैंक यू वेरी मच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी ग्लैड, मतलब मैं बहुत खुश हूँ मैं आपका आपके चैनल पे आने के लिए, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी होगी अगर आप अगर अगली बार मुझे कभी कोई कोई भी मुझे कुछ कुछ काम करने के लिए कुछ मौका देते हैं तो डेफिनेटली आई विल बी ग्लैड, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।